वर्ल्ड कप को जीते 3 दिन हो गए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या अलग किया टीम इंडिया ने इस बार जो ये आईसीसी की ट्रॉफी ले आए। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बार इंटेंट बहुत ज्यादा था, कोई भी पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा था। सबका बस एक ही एम था, पूरी टीम का सिर्फ एक एम था कि किसी भी तरीके से इस बार ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन उसके अलावा टीम इंडिया ने क्या अलग किया? मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिस वजह से टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी ले आई है, वो है बैटिंग एंड बॉलिंग डेप्थ। जी हाँ, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में इस बार इंडिया के पास जबरदस्त डेप्थ थी। जहां पे अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे, वहीं बॉलिंग में भी इस बार इंडिया के पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे, जिसकी वजह से इंडिया के पास जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी थी। शिवम दुबे जिन्हें एक ऑलराउंडर की तरह टीम में लिया गया था, उन्हें पूरे टूर्नामेंट यूज भी नहीं किया गया, जबकि वो भी एक बॉलिंग ऑप्शन इंडिया के पास अवेलेबल था। हर बार इंडिया स्पेशलिस्ट के साथ जाता था, स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर्स, और होता यही था कि एंड में या तो इंडिया की बैटिंग डेथ या इंडिया की बॉलिंग डेथ इंडिया को हमेशा परेशान कर देती थी। इस बार जडेजा और अक्षर पटेल दो बहुत ही सिमिलर क्रिकेटर्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेकिन रोहित शर्मा क्लियर थे कि उन्हें टीम में दोनों चाहिए ताकि इंडिया डीप बैटिंग कर सके। बॉलिंग में भी ये दोनों बॉलिंग ऑप्शंस थे, साथ में हार्दिक पांड्या थे, तो 3 ऑलराउंडर्स हो गए, साथ में 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और शिवम दुबे का एक ऑप्शन ओपन था इंडिया के पास। इसके पहले इंडिया ने क्या गलतियां की थी? मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन मैं जाता हूं 2021 वर्ल्ड कप में। 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया ने वही गलती की जो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने की, सीधा लीग से प्लेयर्स को उठा के वर्ल्ड कप में खिलाने ले गए। वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर, ये दो स्पिनर्स गए थे 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से, जबकि चहल और कुलदीप यादव उसके पहले कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए खेल रहे थे। लेकिन इंडिया ने सडनली आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे सोचा कि ये दो स्पिनर्स मिस्ट्री स्पिनर्स, लेग स्पिनर जाएंगे और टीम्स को सरप्राइज कर देंगे। हाउएवर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर्षल पटेल को भी डायरेक्टली आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम में सिलेक्शन मिल गई थी, और साथ में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, उनका भी वो डेब्यू ईयर था। तो इंडिया की पूरी टीम आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनी टीम थी और वो टीम पहले स्टेज में ही बाहर हो गई थी। पहले तो वो पाकिस्तान से हारने वाली पहली टीम बनी, फिर न्यूजीलैंड से हारी और फर्स्ट राउंड ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। 2022 में जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम में अवेलेबल नहीं थे और लास्ट मोमेंट पे मोहम्मद शमी को उनके रिप्लेसमेंट की तरह ले जाया गया। लेकिन अगेन इंडिया के पास इतनी डेप्थ नहीं थी, इंडिया स्पेशलिस्ट पे रिलाय कर रहा था। टॉप 3 में एंकर रोल्स वाले प्लेयर थे। रोहित शर्मा 2022 में उस बीस मोड में बैटिंग नहीं कर रहे थे जैसे वो अभी कर रहे हैं। विराट कोहली एक एंकर प्लेयर थे, केएल राहुल को भी रखा गया था, दिनेश कार्तिक को सडनली आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम में ला दिया गया था, ऋषभ पंत भी हावेवर टीम में थे, लेकिन टीम में ना तो कोई बहुत ज्यादा डेप्थ थी, ना तो कोई बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी थी, ऑप्शंस भी कम थे। दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स में भी टीम इंडिया ने इसी तरीके से मात खाई क्योंकि उनकी बैटिंग डीप नहीं थी। लेकिन इस बार सारी चीजों को कंसिडर किया गया। 2023 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या जो टीम के लिए सबसे आप कह सकते हो वाइटल कॉर्ड है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इकलौते फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे टीम में, हालांकि जडेजा थे टीम में, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई उनके रिप्लेसमेंट में आ गए सूर्य कुमार यादव, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और जब सूर्य कुमार यादव आ गए तो फिर इंडिया के पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस रह गए। इंडिया के टॉप 6 में कोई भी बॉलिंग नहीं करता था, मगर इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कुछ स्मार्ट मूव्स किए और मे भी शायद राहुल द्रविड के साथ डिस्कशन भी हुई हो, लेकिन इस बार ये प्लीज क्लियर थी कि इंडिया को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में डेप्थ रखनी है। अक्षर पटेल वो इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए, क्योंकि अक्षर पटेल ना तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बॉलर बन गए टीम के लिए, बल्कि साथ वो एक ऐसे प्लेयर थे जो नंबर 8 पे अलॉटेड तो थे, लेकिन वो बैटिंग नंबर 4 से लेके नंबर 8 किसी भी पोजीशन में कर सकते थे। दो बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग नॉक्स उन्होंने खेली और वो थी, एक तो फाइनल में आप सबको याद है 31 बॉल्स 47, जब वो बैटिंग करने आए टीम का स्कोर 34 for 3 था। उनकी इनिंग्स की वजह से ना सिर्फ इंडिया की मदद हुई बल्कि उन्होंने विराट कोहली को भी एक तरीके से कवर अप किया, क्योंकि विराट कोहली उस टाइम पे बिल्कुल एंकर रोल खेल रहे थे और वो अगर दूसरे एंड से अक्षर रन नहीं बना रहे होते तो विराट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता और शायद विराट को भी अटैक करना पड़ता, लेकिन अक्षर ने कवर अप किया उनके लिए।
अक्षर रेगुलरली हिट्स मारते रहे, अपनी स्ट्राइक रेट 150 के अराउंड रखी, जिसकी वजह से टीम का स्कोर, टीम का रन रेट अराउंड 8 रहा और विराट कोहली को भी इतना टाइम मिल गया कि वो आराम से अपना गेम खेल सके। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ अगर आपको याद हो तो उस मैच में भी जब कोहली और शर्मा दोनों जल्दी आउट हो गए थे तो अक्षर पटेल को भेजा गया था, क्योंकि वहां पे पिच न्यू बॉल से फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद दे रही थी, तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को कवर करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था। और अक्षर पटेल ने जाते ही शाहीन शाह अफरीदी को विकेट कीपर के पीछे एक बढ़िया छक्का मारा, थोड़ी देर तक ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप करके इनिंग्स को संभाला और फिर 9th ओवर में वो अटैक करते हुए आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया था। बाद में उन्होंने बॉलिंग में भी शानदार ओवर किया इमाद वसीम को और मैच बना के दिया, और पूरे वर्ल्ड कप में वो शानदार परफॉर्मेंस करते रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक शानदार कैच भी लिया, मतलब वो एक रिलायबल फील्डर भी थे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जबकि अक्षर पटेल को टीम में लिया जा रहा था तो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जडेजा के होते हुए अक्षर पटेल का क्या रोल है, या फिर अक्षर पटेल टीम में है भी तो मे बी शायद जडेजा की इंजरी में या जडेजा अवेलेबल ना हो तो वो खेलें, और मे बी शायद चहल को खिलाया जाए क्योंकि चहल इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, चहल इंडिया के लिए आईपीएल में भी सबसे ज्यादा विकेट टेकर लेने वाले बॉलर थे। लेकिन पॉइंट इज कि चहल को अभी तक किसी भी T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खिलाया गया है। इनफैक्ट अब मुझे लगता भी नहीं है कि चहल को शायद फ्यूचर में भी कोई T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को मिलेगा। रोहित शर्मा बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें अक्षर और जडेजा दोनों चाहिए, क्योंकि अगर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जडेजा और अक्षर खेलते हैं तो ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। 5 से लेकर 8 तक इन चारों को रखा गया और सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ इंडिया खेली, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ। बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों में इंडिया को ऑप्शंस की कमी नहीं थी। आपने देखा होगा कि फाइनल में जडेजा को सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग दी गई, उसके पहले भी मैचेस में आप देखेंगे तो जडेजा को बहुत कम बॉलिंग दी गई, क्योंकि जडेजा की बॉलिंग फॉर्म कुछ खास चल भी नहीं रही थी, और जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता गया अक्षर पटेल पर रिलायबिलिटी बढ़ती गई। अक्षर पटेल बैटिंग में भी फ्लेक्सिबल थे और जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही वो ऊपर नीचे आते रहे। इन दोनों इंपॉर्टेंट इनिंग्स के साथ के अलावा भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में कुछ रन बना के दिए, कुछ चौके छक्के मारे। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने एंड में आके क्रूशियल छक्का मारा। जडेजा भी उस मैच में उन्हें थोड़े ऑप्शंस मिले, उन्होंने आर्चर के खिलाफ कुछ रन बनाए, तो इस वजह से इंडिया के टॉप ऑर्डर काफी फ्री होकर बैटिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि नीचे भी बैट्समैन अवेलेबल हैं। ये चीजें इंडिया के पिछले मैचेस में कम पड़ रही थी। इंडिया हमेशा एक लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ जाता था। 2019 में भी वो केदार जाधव को लेके गया था इस वजह से, क्योंकि केदार जाधव कुछ ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते थे, हालांकि बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में उनके बॉलिंग की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है जो इंडिया को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बड़े टूर्नामेंट्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती रही है। और अब क्योंकि इंडिया रोहित और विराट के जाने के बाद एक नई टीम बना रही है, आई होप कि इंडिया इस फैक्ट को ध्यान में रखे कि गोइंग फॉरवर्ड उन्हें ऐसे प्लेयर्स को टीम में रखना है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा को फिलहाल इस टीम में रखा गया है जो कि एक यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। रियान पराग भी एक यूजफुल लेग स्पिनर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी प्लेयर्स आईपीएल में या यहाँ वहां बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें इंडियन टीम में लाया जाता है उन्हें यूज करना बंद कर दिया जाता है। श्रेयस अय्यर भी एक काम चलाऊ लेग स्पिनर थे, लेकिन इंडिया उन्हें बहुत ही कम बॉलिंग में यूज करता रहा। विराट और रोहित शर्मा भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते थे अपने अर्ली डेज में, लेकिन उन्हें भी कम्प्लीटली बॉलिंग छोड़ दी। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाली टीम में जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा हो, रियन पराग हो, नीतीश रेड्डी तो अनफॉर्चुनेटली सीरीज में नहीं है, लेकिन अगर वेंकटेश अय्यर भी हो तो इन सबको थोड़ी थोड़ी बॉलिंग इन बायलैटरल्स में कराते रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में यही आपको डेप्थ देंगे। एंड यू नेवर नो, वन ऑफ दीज माइट टर्न आउट टू बी अ डिसेंट बॉलर। जैसे केदार जाधव ने कभी भी डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन धोनी ने उनको यूज किया तो उनका एक्शन काफी अनकैनी था और वो विकेट्स निकाल लेते थे। तो इस तरीके से इंडिया को ट्राई करना होगा कि उनके टॉप 6-7 में एटलीस्ट 2 ऐसे प्लेयर्स हों जो थोड़ी बहुत भी बॉलिंग कर सके, क्योंकि इंडिया नई टीम बना रही है, जडेजा भी रिटायर हो गए हैं, तो अब अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली हर मैच खेलेंगे। शिवम दुबे बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन कर दिया है कि वो टीम इंडिया के रडार में रहेंगे कहीं ना कहीं।
वर्ल्ड कप में तो शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं कराई गई, बट आई होप कि इंडिया फ्यूचर में शिवम दुबे से थोड़ी बहुत बॉलिंग कराता रहे, क्योंकि इंडिया को ऐसे ऑप्शंस चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो इंडिया को जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत ओवर्स निकाल के दे सके। जायसवाल और शुभमन गिल बॉलिंग करते नहीं है, तो अब अभिषेक शर्मा, रियन पराग और इस तरीके के जितने भी यंगस्टर्स हैं, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आई वुड से इन्वेस्टमेंट करना होगा बीसीसीआई को, कोच को, जो भी नए कोच आते हैं प्रोबेबली गौतम गंभीर ही होंगे शायद, उनको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो थोड़ी बहुत बॉलिंग करते रहे, ताकि इंडिया के पास इतनी डेप्थ रहे कि इंडिया आने वाले टूर्नामेंट्स में भी कुछ बड़ा अचीव कर सके। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।